अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो है मैं CSS पास पेपर्स पैराफर्ड्स लाया हूँ 2009 के, जो आपके साथ शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा कि इनके मायने और इनकी मीनिंग और जो भी यूसेज है इनका, वो मैं आपको समझा दूँ। हर मीनिंग के साथ मैंने जो है नीचे से एक जुमला रखा है, जिसे आप उसका इस्तेमाल जो है कई हद तक समझ सकते हैं। 7 सेक्शन है। नंबर फर्स्ट पे आते हैं प्रोसिक्यूट एंड प्रोसिक्यूट, जिसके मायने हैं जुल्म करना या प्रोसिक्यूट यानी कानूनी कार्रवाई करना। तो ये रिपीटेड हैं 2001-06-2008 के, आप मेरी पिछली वीडियो से ये देख सकते हैं। उसके बाद आएंगे लक्जरियंट। लक्जरियंट ग्रोइंग थिक एंड स्ट्रांगली इन वे दैट इज़ अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का होना, ठीक है। स्ट्रेच ऑफ लैंड वॉज वंस कवर्ड विद लक्जरियंट फॉरेस्ट बट इज़ नाउ बेयर, ठीक है। लग्जरियस आएगा वेरी कंफर्टेबल, यानी अमीराना ज़िंदगी, अमीरों वाली ज़िंदगी, बहुत आरामदायक या महंगा लाइफस्टाइल ऑप्ट करना। देव अ वेरी लग्जरियस हाउस। फिर उसके बाद तीन पे आएंगे मीन, टू एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट समथिंग सच एज एन आइडिया थॉट और फैक्ट, माना या मतलब, ठीक है, मायने या मतलब। द फिगर्स मीन दैट ऑलमोस्ट 7% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड। मीन आता है फिर से, अ पर्सन्स अपियरेंस स्पेशली द टिपिकल एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस, कोई अजीब सा टिपिकल सा जो है ना फेस एक्सप्रेशन, वो उसे कहते हैं। इज ए एरिस्टोक्रेटिक मीन एंड स्मार्ट क्लोथ सिंगल हिम आउट। ऑब्जर्वेशन द एक्ट ऑफ वॉचिंग समवन और समथिंग केयरफुली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, नज़र रखना, नज़र बंद रखना, मुशाहिदा करना किसी चीज़ का, क्लोज ऑब्जर्वेशन आपने जो है वर्ड जो है अक्सर सुना होगा। द पुलिस आर कीपिंग द सस्पेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेंस ये कहते हैं ओबेइंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ को जो है ना मानना, उसको फॉलो करना। ये लिखा है प्रैक्टिस ऑफ ओबेइंग अ लॉ और फॉलोइंग अ रिलीजियस कस्टम। द स्टेट मस्ट इन्फोर्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इट्स डोमेस्टिक लीगल ऑर्डर, ठीक है। नॉटी शरारती को कहते हैं बिहेविंग बैडली। नाउ दैट्स नॉटी, यू मस्ट नॉट थ्रो फूड ऑन दी फ्लोर। फिर के से आता है नॉटी, कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, मुश्किल, जो आसानी से हल ना हो। दैट्स रादर अ नॉटी क्वेश्चन। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाते हैं घोस्टली। पेलेंट ट्रांसपेरेंट, साफ-साफ हो कोई चीज़। द इमेज इज फेडिंग विच गिव्स द फिगर रादर घोस्टली अपियरेंस। वैग्यू भी होता है इसका, आपने देखना है कि घोस्टली अपियरेंस के एक्यूरेसी क्या है, क्या इसकी मीनिंग्स हैं, आपने देखना है, अपने जुमले बनाने हैं और उसको इस्तेमाल भी करना है। घास्टली होता है अनप्लेजेंट एंड शॉकिंग, कोई भयानक चीज़ हो, खौफनाक हो, अनप्लेजेंट एंड शॉकिंग। टुडेज न्यूज़ पेपर गिव्स ऑल द घास्टली डिटेल्स ऑफ द मर्डर। उसके बाद नंबर 7 पे आएंगे ह्यू और ह्यू, ठीक है। टू कट अ लार्ज पीस आउट ऑफ रॉक स्टोन और अनदर हार्ड मटेरियल इन अ रफ वे, काटना, टुकड़े टुकड़े कर देना, लेकिन कौन से वे में, रफ वे में। द मोन्यूमेंट वॉज ह्यून आउट ऑफ द साइड ऑफ अ माउंटेन। ह्यूज का जो है होमोनिम टाइप लगता है, एक जैसी है, इसको सिंपल आप कह सकते हैं, इसकी मीनिंग है रंग, शेड ऑफ कलर, पर्टिकुलर शेड ऑफ कलर या फिर अ कलर। इन द कैरेबियन वाटर्स देर आर फिश ऑफ एवरी ह्यू, हर किस्म की, हर कलर की जो है वहाँ पे फिशेस हैं। अब हम आ जाते हैं 2010 के पास पेपर्स पेयर ऑफ वर्ड्स पे, एडवर्स और एवर्स, नेगेटिव एंड अनप्लेजेंट, मुखालिफ। एवर्स होता है नापसंद होना कोई चीज़, ठीक है। द मैच हैज़ बिन कैंसल्ड ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशंस। Strongly disliking or opposed to, सख्त नापसंद होना कोई चीज़। Few MPs are averse to the attention of the media. फिर आते हैं दूसरे maize, और दूसरा ये maize है, ठीक है। जो पहला maize है ये मकई को कहते हैं, ठीक है, आपने भुट्टा खाया होगा ना उसी को। A tall plant grown in many parts of the world for its yellow seeds which are eaten as food, मेड इन टू फ्लोर और फेड टू एनिमल्स। सम ऑफ आर फूड्स में कंटेन इंग्रीडियंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज।
फिर उसके बाद इस मेज पे आते हैं इंट्रिकेट यूजुअली कंफ्यूजिंग नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग पाथवेज, गोरखधंधा, मुश्किल रास्ते बनाना। द ओल्ड पार्ट ऑफ द टाउन वाज अ मेज ऑफ नैरो पैसेजेस, और पैसेजेस कह सकते हैं आप इसको। नंबर थ्री पे आते हैं मेडल और मेडल। मेडल तो तमगा होता है, मेडल होता है टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग दैट डज नॉट कंसर्न यू, ठीक है। पीपल शुड नॉट मेडल विथ थिंग्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड, ऐसी कोई पेचीदा चीज़ हो जिसको आप समझे ना उसमें आपको मुदाखलत नहीं करना चाहिए। मेडल दूसरा है तमगा। उसके बाद इसके यूजेज पे आते हैं माइकल फेल्प्स 123 गोल्ड मेडल्स इन स्विमिंग। इम्पीरियल रियासती हो, शाही हो, बादशाह से रियासत से कुछ जुड़ा हो, कनेक्टेड विद इन एम्पायर, द इम्पीरियल वॉर म्यूजियम इज़ इन लंडन। इम्पीरियस होता है प्राउड, फ़खर वाली कोई चीज़ हो, फ़खर महसूस करना। ही ऑलवेज टॉक्स इन इम्पीरियस मूड, ये हमेशा जो है फ़खर वाले अंदाज में बात करते हैं। नंबर फाइव पे आ जाते हैं वोरासिटी एंड वेरोसिटी। देखिए वेरोसिटी सच्चाई ईमानदारी को कहते हैं, और वोरासिटी बहुत ज़्यादा भूखा होना, ठीक है, हबश भूखा होना। ये रिपीटेड है इसलिए आपको प्रीवियस वीडियोज़ पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएंगे। नंबर सिक्स है इल्यूजन और एल्यूजन। इल्यूजन है एन आइडिया और बिलीव विच इज़ नॉट ट्रू, ऐसा कोई ख्याल या फिर अकीदा जो झूठा हो, सच्चा ना हो, दुखा फरेब हो। ही हैड नो इल्यूजन्स अबाउट हिज टैलेंट्स एज अ सिंगर। एल्यूजन भी आते हैं समथिंग दैट इज सेड और रिटन दैट इज इंटेंडेड टू मेक यू थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। इशारा करना, जिक्र करना, किसी चीज़ का हवाला वगैरह देना। हर नॉवेल्स आर पैक्ड विद लिटररी एल्यूजन्स, ठीक है। ऑर्डिनेंस और ऑर्डनेंस, ऑर्डिनेंस मकसद दस्तूर, कायदा, कवानीन वगैरह। यह नेशनल असेंबली पास्ड इन ऑर्डिनेंस। ऑर्डनेंस जो है मिलिट्री सप्लाईज होती है, इन मटेरियल होता है जंगी सामान, असलहा वगैरह वगैरह। पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री इज़ लोकेटेड इन टैक्सला। नंबर एट पे आ जाते हैं विलिंग और विलफुल। विलिंग होता है टू बी हैप्पी टू डू समथिंग इफ इट इज़ नीडेड, चाहत हो, खुशी हो कोई चीज़ करने की, ठीक है। यू सेड यू नीडेड अ वॉलंटियर, वेल आई एम विलिंग। विलफुल होता है सेड और डन डेलिबरेटली और इंटेंशनली, जानबूझकर कुछ किया हो या फिर कुछ कहा हो। विलफुल किलिंग इज़ अ ग्रेव ब्रीच। तो सेक्शन 9 CSS 2011 पे आ जाते हैं कैपिटल और कैपिटोल। कैपिटल होता है वो ऐसा शहर यानी दारुल हुकूमत का जो शहर होता है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कैपिटोल जो होता है बिल्डिंग होती है जहाँ पे स्टेट में लेजिस्लेशन वगैरह के लिए लोग मिलते हैं, कोई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग हो। द लेजिस्लेटर्स वर कॉल्ड टू द कैपिटोल फॉर एन एमरजेंसी सेशन। ऐसे होता है, एक ऐसे ई से होता है, ये ऐसे ए से होगा, ऐसे ट्रायल ऑफ मेटल और ओर फॉर क्वांटिटी, कोशिश या किसी चीज़ को जांचना कि क्या क्वांटिटी है उसमें, तादाद जांचना। मेटलर्जिस्ट, सॉरी मेटलर्जिस्ट डिड एन एसे ऑन द मेटल एंड डिटरमाइंड इट कंटेंट निकल। ये होगा निकल, निकल ऐसे आपको पता है मजमून को कहा जाता है, दिस इज अ सब स्टैंडर्ड। ऐसे इन्वेलप और इन्वेलप, इन्वेलप होता है किसी चीज़ को लपेटना, और इन्वेलप जो होता है ये होता है लिफाफा। वी सा माउंटेन पीक्स इन्वेलप्ड इन थिक मिस्ट, ठीक है, MIST, ये मिस्ट होगा। उसके बाद आएंगे लेटर वाले पे, पुट दीज करेंसी नोट्स इन एन इन्वेलप। फिर उसके बाद आएंगे नंबर फोर पे डिग्री और डिग्री। डिग्री तो लेवल ऑफ एजुकेशन या किसी भी चीज़ की तादाद या दर्जा जो होता है रखा जाता है उसे डिग्री कहते हैं। ये जो डिग्री है ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है दैट समथिंग मस्ट हैपन, फैसला करना कि चलें ठीक है ये तो होना ही है, कोई फैसला देना। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशूड अ डिग्री बैनिंग काइट फ्लाइंग, कि ये होना है कि हमने काइट को फ्लाई काइट फ्लाइंग को जो है बैन कर दिया, अब यही होगा। डिग्री पे आते हैं हर जॉब डिमांड्स अ हाई डिग्री ऑफ स्किल। अब आते हैं CSS 11 के एंड वाले पोर्शन पे।
फाइव नंबर पे आता है डेजोलेट और डेजोल्यूट। डेजोलेट कहते हैं अ प्लेस दैट इज एम्प्टी एंड विदाउट पीपल इनहैबिटेड, वीरान या गैर आबाद कोई जगह हो। वी पास्ड थ्रू अ डेजोलेट मूरलैंड। डेजोल्यूट होता है एंजॉइंग इमोरल एक्टिविटीज, बद चलन या बदकारी होना, उसको एंजॉय करना। हर हस्बैंड टर्नड आउट टू बी अ डेजोल्यूट पर्सन। वेट होता है गीला, ठीक है, कवर्ड इन वाटर और अनदर लिक्विड। माई क्लॉथ्स गॉट वेट इन द रेन। वेट होता है दूसरा, WHET, वेट जो होता है टू इंक्रीज समवंस डिज़ायर एंड इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी की ख्वाहिश को, किसी की दिलचस्पी को बढ़ा देना। टू ट्रिप, द ट्रिप टू पेरिस हैज़ वेट लेट माई एपेटाइट फॉर ट्रैवल। एपेटाइट का मकसद है मेरी ट्रैवलिंग की जो भूख है ना उसको उसने बढ़ा दिया। किस चीज़ ने? द ट्रिप टू पेरिस ने, ठीक है। इसके साथ ये वीडियो मैं यहाँ तक एंड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। बाकी के हम जल्द अज़ जल्द डिस्कस करेंगे। आप कोशिश करेंगे इनके स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें, मैंने कोशिश की है कि इनको मैं क्लियर रखूँ, समझा करें, अपना ख़ुद से जो है ना यूजेज सेंटेंस बनाएं, इनकी एक लिस्ट बनाएं और सब पे प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह होपफुली जो है ना आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं इस सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन में भी और CSS के इंग्लिश पेपर में भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, एंड शेयर दिस वीडियो इन ऑल योर फ्रेंड सर्कल। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।